दोस्तों कभी कभी सोच के बड़ा डर लगता है कि ये 2020 और कितने बुरे दिन दिखाएगा। जिस तरीके से देश की स्थिति वैसे ही कोरोना वायरस से खराब चल रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच में एक नया पॉइंट सामने आ गया है जिस पर दोनों ही सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। तो तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ हमेशा ही इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है मिलिटेंट्स के द्वारा। तो चौथी तरफ जो कमी रह जाती है वो हमारे देश की कुछ प्रमुख पार्टीज आकर सवाल पूछने लगती हैं, तो वो कमी भी पूरी हो जाती है। दोस्तों ये इतिहास रहा है कि वही देश ताकतवर बन पाया है जिस देश की आम जनता, जिस देश की बड़ी बड़ी पार्टीज आपदा के वक्त एक साथ मिलकर उस आपदा से लड़ने में देश का सहयोग करेंगी, तभी वो देश ताकतवर बन पाया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ हमेशा पॉलिटिक्स ही इतनी ज्यादा प्रवोक रहती है कि देश इन सारी चीजों से निकल ही नहीं पाता। What's up guys, this is the Liberal Pandit और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो इंडिया और चाइना के बीच में एक नया पॉइंट सामने निकल कर आया है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन की जो खबर है वो शायद एक दो दिन में आपके सामने आ सकती है कि कितने सैनिक और सेक्रीफाइस कर गए दोनों ही साइड्स पर। जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया और चाइना का जो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें इंडिया के 20 और चाइना के 40 सोल्जर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। उसके बाद हमारे देश के कुछ प्रमुख लीडर सामने आके कहते हैं कि हमारे तो सिर्फ 20 मरे, हमने उनके 40 मार दिए। दोस्तों अंतर यहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि जो ये सिर्फ शब्द है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और यहीं पर डिफरेंस क्रिएट करता है। हमारा सिर्फ एक सैनिक मरा, लेकिन मरा क्यों, वजह ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन इस बात से होता है कि हमने उनके कितने मार दिए और हमारे कितने मर गए, यहाँ पर ये कंपैरिजन होने लगता है। और उसके बाद अचानक से हमारी फेक जनता को फेक नेशनलिज्म चढ़ जाता है और बायकॉट चाइना की मुहिम शुरू कर देते हैं, भले ही वो चाइनीज मोबाइल से ही उस चाइनीज टैग को लिख रही हैं कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। दोस्तों अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें चीज़ें अभी पूरी क्लियर नहीं हुई हैं कि कितने सैनिक सेक्रीफाइस किए हैं या फिर क्या क्या नुकसान हुआ है, वो आगे आने पर पता चलेगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से प्रवोक हुआ है उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि चाइना अपने स्टैंड को लेकर पूरी तरीके से क्लियर है कि वो इन्फिल्ट्रेशन करता रहेगा और वो इंडिया के साथ कुछ ना कुछ छोटी मोटी वॉर या फिर बहुत बड़ी स्केल पर वॉर चाहता है। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात कह दी है बड़ी क्लियर तरीके से, और मैं भी उनके इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चाइना जिस तरीके से काम कर रहा है वो अपने डिसीजन को लेके फुल तरीके से तैयार है कि हमें इंडिया के साथ कुछ ना कुछ करना है। लेकिन हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं और जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, जब कोई बहुत बड़ी स्केल में हमको ये खबर मिलती है कि हमारे इतने ज़्यादा सैनिक मर गए, उसके बाद जाकर हमारे यहाँ कोई एक्शन लिया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं ले सकते, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया है। और ये बहुत अच्छा सवाल है और हमें इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि चाइना पीछे हट नहीं रहा है फिंगर फोर से। और जो लद्दाख में जो सिचुएशन है, जो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है और कोई किसी के इलाके में नहीं घुसा है, ये गलत है। दोस्तों कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा है जो सरकार अभी बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपके बड़े बड़े डिसीजंस के साथ इंडिया हमेशा स्टैंड किया है, इंडिया की यूथ आपके साथ स्टैंड की है, उसी तरीके से आप अगर लद्दाख की सिचुएशन को हमारे साथ शेयर करेंगे तो शायद हम लोग आपके स्टैंड के साथ खड़े हों और देश की स्थिति और अच्छी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये भी देना होगा कि राहुल गांधी और प्रमुख पर्टिकुलर पार्टीज जो कि सवाल पे सवाल पूछती जा रही हैं, अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने दोबारा से एक वीडियो रिलीज करी है और उस पर उन्होंने सवाल पूछे हैं जो कि जेन्युइन सवाल हैं, कोई गलत सवाल नहीं है, और देश की स्थिति को देखते हुए वो सवाल पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि क्या इस वक्त, जिस वक्त पूरे देश को एक साथ मिलकर चाइना के खिलाफ खड़े होना चाहिए, उस वक्त क्या ऐसे सवालों को लाना ज़रूरी है। राहुल गांधी भले ही चाइना का नाम नहीं लेते, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि मोदी चाइना का नाम क्यों नहीं लेते। दोस्तों हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि लोग ये नहीं समझते कि किसी का नाम लेना या ना लेने से कोई बात नहीं बढ़ती, हमें एक साथ खड़े होकर चाइना के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करना होगा, वरना चाइना आगे और ऐसे ही इन्फिल्ट्रेशन को कैरी ऑन करता रहेगा और हमारे सैनिकों की ऐसे ही जाने जाती रहेंगी। दोस्तों एट दी एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी LAC पर सही नहीं है और LAC पर कंडीशंस खराब हैं। दोनों तरफ से ही जो ट्रूप्स के नंबर हैं वो और ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से ही और ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की खबर आ सकती है आगे के टाइम में भी। तो अपने फिंगर्स क्रॉस्ड रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि भाई ऐसा कुछ भी ना हो, कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट ना हो, और दोनों ही टेबल पर बैठकर एक सलाह कर लें कि जो जिसका पॉइंट है वो उसी पॉइंट पर रहेगा और कंडीशन ख़राब नहीं होगी।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। सवाल पूछना तो ज़रूरी रहता है, लेकिन सवालों के साथ देश को स्टैंड लेना भी ज़रूरी है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे दोस्तों, तो देश और ज़्यादा गिरता जाएगा, देश और ज़्यादा परेशान होता जाएगा। किसी भी देश की प्रमुख पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, सिर्फ देश उसी के हाथों में नहीं होता है, देश हर एक नागरिक के हाथों में होता है। और जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, तो सिर्फ ये मेंटेलिटी नहीं रखनी चाहिए कि हमने तो सरकार चुन ली है तो सिर्फ सरकार के ही हाथों में देश है, सरकार जो करेगी और सरकार के ही ऊपर जो ब्लेम है वो हम थोप दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी देश की आपदा आती है तो सरकार चलाने वाले भी इंसान ही हैं और हम भी इंसान ही हैं। हर देश के नागरिक के ऊपर ये जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने हाथों से कुछ ऐसे डिसीजंस ले, अपने बातों को अपने लोगों के सामने कहे, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमें कहाँ खड़े होना है और हमें कहाँ नहीं खड़े होना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।